हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 3 रीजनिंग की जियोमेट्रिकल शेप्स। सबसे पहले हम जानेंगे जियोमेट्रिकल शेप्स कौन कौन से होते हैं और फिर इससे संबंधित हम MCQ देखेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पैटर्न एंड मेजरमेंट यूनिट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाकर उसके MCQ के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अवश्य देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप्स एंड देयर नेम्स। दिस इज रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर, सर्कल, ओवल शेप, ट्रायंगल, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबिट। अब हम जानेंगे लाइंस। स्ट्रेट स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन इस प्रकार की होती है, वर्टिकल लाइंस अप टू डाउन, हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट टू राइट, एंड कर्व लाइन थोड़ा सा कर्व रहेगा जिससे हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। डैट इज इस प्रकार का या ऐसे, इसको हम थोड़ा सा कर्व करके कोई भी डिजाइन इसे हम बना सकते हैं। ऑल स्लैटिंग वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस आर स्ट्रेट लाइन, अर्थात ये स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन, ये तीनों हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइंस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स के बारे में जानेंगे। रेक्टेंगल हम जान चुके हैं कि कौन से शेप का होता है। अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। इसमें अपोजिट साइड यानी आमने सामने जो साइड्स हैं ये इक्वल होते हैं, एंड 4 कॉर्नर एंड 4 साइड्स होते हैं। जैसे ये 4 साइड्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, और कॉर्नर इस प्रकार के ये 4 कॉर्नर्स हो जाते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें भी 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 साइड्स हो गए और कॉर्नर ये हो जाते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसी प्रकार सर्कल, सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं। ट्रायंगल, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर, उसी प्रकार हम देख सकते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें भी 3 साइड्स हो गए, 1, 2, 3 एंड कॉर्नर हो गए 1, 2 एंड 3, ये 3 कॉर्नर हो गए। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर में भी 9 कॉर्नर्स होते हैं एंड सर्कुलर फेस होते हैं ये। कोन, कोन इस प्रकार का होता है जिसमें ट्रायंगुलर फेस, ये पोर्शन ट्रायंगुलर फोर्स ट्रायंगुलर फेस कहलाता है, एंड ये बीच नीचे जो है राउंड टाइप का, ये सर्कुलर फेस कहलाता है। नेक्स्ट हो जाता है सिलेंडर। ये सिलेंडर है जिसमें ये सर्कुलर फेस हो जाते हैं, ऊपर नीचे जो ये राउंड है ये सर्कुलर फेस कहलाते हैं, एंड ये बीच वाला पोर्शन जो है रेक्टेंगुलर फेस कहलाता है। क्यूब्स, क्यूब हम पीछे देख चुके हैं, ये हमारा क्यूब होता है, जस्ट लाइक आप लूडो खेलते हैं उसमें भी ये जो छक्के होते हैं ये क्यूब्स होते हैं जो सामने से हमें 3 साइड्स दिखते हैं, 1, 2 एंड 3, ये 3 साइड्स हमें दिखते हैं, बाकी 3 साइड्स नीचे पीछे और नीचे होते हैं। इसी प्रकार इसमें कितने हो जाते हैं, 6 स्क्वायर हो जाते हैं, ये स्क्वायर शेप हैं, तो 1, 2, 3 एंड 3 पीछे हो गए, 6 स्क्वायर होते हैं, एंड 12 साइड्स होते हैं यानी सब में 4-4 साइड्स हो जाते हैं, तो 12 साइड्स हो जाते हैं एंड 8 कॉर्नर हो जाते हैं। इसमें भी इस प्रकार हम करेंगे तो ये टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। उसी प्रकार हो जाता है क्यूबिड। क्यूबिड में भी 6 रेक्टेंगुलर शेप हो जाते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो 6 रेक्टेंगुलर शेप, एंड 6 रेक्टेंगुलर फेस हो जाते हैं, 12 साइड्स हो जाते हैं ये साइड्स, एंड 8 कॉर्नर हो जाते हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द फिगर इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर से ये फिगर बना हुआ है, स्क्वायर शेप क्या हो रहा है,
ये स्क्वायर शेप है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तब इसमें हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बड़ा सा स्क्वायर जो है ये हो गया 10। तो टोटल कितने हो गए? ऑप्शन डी 10 स्क्वायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2। द फिगर इज मेड अप ऑफ क्यूब्स एंड सिलेंडर। अब हम जान चुके हैं बच्चे ये क्यूब क्या है, ये शेप हमारा क्यूब है एंड सिलेंडर जो है ये शेप है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्यूब्स कितने हैं। पहले क्यूब्स को काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यूब कितने हो गए? 6। एंड सिलेंडर अब काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिलेंडर भी हमारे 6 हो गए। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? 6 एंड 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3। द फिगर हैज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो कितने स्ट्रेट लाइन से ये फिगर बना हुआ है? अब हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। तो कितने हो गए? 13। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर इज मेड अप ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें हमें पता है ट्रायंगल किस प्रकार का होता है बच्चों, इस प्रकार का या फिर इस प्रकार का। तो इसमें हमें देखना है ये कितने ट्रायंगल से फिगर बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बड़े वाले 7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 5। द फिगर इज मेड अप ऑफ सर्कल। इसी प्रकार हमें देखना है ये कितने सर्कल से बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सर्कल हो गए? 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। द फिगर हैज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अभी ऊपर हमने किए हैं, ये आपको खुद काउंट करके बच्चों देखना है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर ट्रायंगल्स इन द फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? अब इस फिगर में हम देख रहे हैं बच्चों ये स्क्वायर भी है, इसमें रेक्टेंगल भी है एंड सर्कल भी है। अपने को फाइंड क्या करना है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इस शेप के कितने हैं ये आपको काउंट करके करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमारे पास ये ट्रायंगल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन रेस्पेक्टिवली द गिवन फिगर आर। इसमें हमें कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन को काउंट करके लिखना है। तो कर्व लाइन इस प्रकार का हो गया एंड स्ट्रेट लाइन ये हो गया। तो कर्व लाइन कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्ट्रेट लाइन 1, 2, 3, 4। तो स्ट्रेट लाइन हमारे 4 हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया? 5 एंड 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द गिवन फिगर हैज मोर स्ट्रेट लाइन देन कवर्ड लाइन देन कवर्ड लाइन्स। तो इसमें हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन ये हो गए एंड कवर्ड लाइन इस प्रकार के हो जाते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गए हमारे 7। कर्व लाइन कितने हो गए? 1, 2। तो कितने स्ट्रेट लाइन कर्व से ज़्यादा है? तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हो गया 5। तो 5 स्ट्रेट लाइन कर्व से ज़्यादा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? ट्राइंगल क्या हो गया? ये शेप हो गया,
इसे हमें काउंट करके लिखना है कितने ट्रायंगल हैं, जो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल इज इन द गिवन फिगर इज, इसमें भी हमें क्या करना है, रेक्टेंगल। अब हम समझ लेते हैं रेक्टेंगल क्या, ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल किसी भी शेप में हो ये हमारा रेक्टेंगल ही कहलाएगा। अब इसको काउंट करके बच्चों आपको खुद करना है इस फिगर्स में कितने रेक्टेंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द फिगर इज मेड अप ऑफ ट्रायंगल, ये फिगर में ये फिगर कितने ट्रायंगल मिलकर बना हुआ है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक बार, हर इसमें क्या है, दो ट्रायंगल हैं, दो तीन चार पाँच छः सात और ये बाहर वाला बड़ा ट्रायंगल आठ यानी एट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एट ट्रायंगल से ये फिगर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स डज द फिगर हैव, इसमें कितने स्ट्रेट लाइन हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको काउंट करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी कर्व लाइन डू द फिगर हैव, कर्व लाइन क्या हो रहा है, ये हमारा कर्व लाइन है, तो कितने कर्व लाइन से मिलकर ये फिगर बना है काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, पी रेक्टेंगल शेप के लिए है, क्यू सर्कल के लिए एंड आर ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले हम पी देखते हैं कितने रेक्टेंगल शेप हैं, देखिए बच्चों 1 2 और ये 3, तो हमारा क्या हो गया, 3 रेक्टेंगल हो गया। अब सर्कल देखते हैं 1 2 3 4, 4 हमारे सर्कल हो गए एंड ट्रायंगल देखना है 1 2 ट्रायंगल हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 3 4 2 ऑप्शन हमारा 1A में है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर द कर्व लाइन इन द फिगर इन, इसमें आपको कर्व लाइन क्या हो रहा है, इस प्रकार का कर्व लाइन हो रहा है, इसको काउंट करके आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द फिगर इज मेड अप ऑफ स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये फिगर कितने स्क्वायर कितने सर्कल कितने रेक्टेंगल एंड कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं, 1 2 स्क्वायर, 2 2 2 और कहीं स्क्वायर दिख रहा है क्या, 1 2 और ये 3, स्क्वायर कितने हो गए 3। सर्कल अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सर्कल कितने हो गए 11। अब हमारा बचा रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स हम काउंट करेंगे 1 2 3, रेक्टेंगल्स कितने हो गए 3 एंड ट्रायंगल्स 1 एंड 2 ट्रायंगल्स हो गए, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3 11 3 2, ये ऑप्शन हमारा आ रहा है ऑप्शन डी में, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द फिगर इज मेड अप ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल, इसे आपको बताना है कितने ट्रायंगल्स एंड कितने सर्कल्स मिलकर ये फिगर बन रहे हैं, तो हमारा ट्रायंगल इस प्रकार का हो जाएगा एंड सर्कल इस प्रकार का, इसको काउंट करके बच्चों आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देयर आर ट्रायंगल्स इन फिगर, इसमें भी हमें ट्रायंगल काउंट करके करना है जिसे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर सर्कल इन द फिगर, इस फिगर में हम देखेंगे कि सर्कल कितने हो रहा है, चलिए ध्यान से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो सर्कल इसमें कितने हो रहे हैं 17, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।